हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी एस आर बजरंग में। दोस्तों आज मैं आपको टेली कोर्स की पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे टेली कोर्स हमारा होता क्या है, टेली कोर्स आप कब कर सकते हैं, टेली कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, टेली कोर्स करने के बाद आप कहां कहां जॉब कर सकते हैं, टेली कोर्स करने के बाद आपकी कितनी सैलरी रहती है, टेली कोर्स कितनी समय का होता है, टेली कोर्स की कितनी फीस रहती है, यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राहुल कुमार, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल जी एस आर बजरंग में। दोस्तों चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन दबाकर कॉल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि इस तरीके की जानकारी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स के नोट्स वगैरह, टेली कोर्स के नोट्स वगैरह, और दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे PDF डाली ADC कंप्यूटर कोर्स के, यदि आप उनको भी यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं इन सभी को, तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। आपको सिंपली गूगल में टाइप करना होगा www.gsrbajrang70.com, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद वहाँ पे आपको दिखाई देगा PDF डाउनलोड। PDF डाउनलोड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैंने वहाँ पे सारी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे PDF डाल के रखी है। अब दोस्तों जो भी आप PDF वहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके आपको वहाँ पे एक वीडियो भी मिल जाएगी, उसमें बताया गया कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख के आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कुछ PDF आपको हमें फ्री मिले, कुछ PDF के लिए आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ टेली कोर्स हमारा होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ टेली कोर्स हमारा एक अकाउंटिंग का कोर्स होता है जिसमें आप गणना कर सकते हैं, यानी जो हमारा लेन देन होता है व्यापार वगैरह में, जो हमारी छोटी छोटी दुकानों में, बड़ी बड़ी दुकानों, बड़ी बड़ी कंपनी में, छोटी छोटी कंपनी में जो हमारा लेन देन होता है उन सभी का आप गणना कर सकते हैं। यानी मिनटों का काम आप यहाँ पे सेकंडों में कर सकते हैं, घंटों का काम आप सेकंडों में कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस वगैरह हो तो उनकी आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, उसमें आप बता सकते हैं कि इस कंपनी को इतना फायदा हुआ है, कंपनी में इतना यहाँ पे घाटा हुआ है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना यहाँ पे लॉस हुआ, ये सारी जानकारी आप टैली में आसानी से यहाँ पे दे सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंडों में, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ टैली कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। जैसे टैली कोर्स में आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे हमारी जो भी लेन देन की एंट्री होती है, जो हमारी बिजनेस की एंट्री होती है, जैसे जो हमारी जर्नल एंट्री जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, जैसे मान लो हमने यहाँ पे माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, सोहन से माल खरीदा, मोहन को माल बेचा, सोहन को माल बेचा, और जैसे मान लो हमने सोहन को पेमेंट किया, रोहन से पेमेंट आया, रोहन को माल वापस किया, इस तरीके की जो हमारी एंट्री होती है, जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको दोस्तों हम सौदे बोलते हैं, जो हमारे सौदा होते हैं, उनकी सबसे पहले आपके यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपके यहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे टैली में सिखाई जाती है। दोस्तों इसके बाद आपके यहाँ पे लेजर के बारे में बताया जाता है कि आपके कौन कौन से लेजर होते हैं, आपको किस तरीके से यहाँ पे लेजर बनाने हैं। दोस्तों इसके बाद आपके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस यानी तलपट के बारे में बताया जाता है कि कैसे यहाँ पे तलपट बनाए जाते हैं, कैसे दोनों पक्षों का यहाँ पे बैलेंस बराबर किया जाता है, इस तरह की जानकारी आपके यहाँ पे दी जाती है। दोस्तों ये सब करने के बाद आपके यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से फाइनल अकाउंट तैयार करने, ये सारी करने के बाद आपके एक फाइनल जो रिपोर्ट होती है वो आपको किस तरीके से तैयार करनी है, जो हमारी बिजनेस की रिपोर्ट होती है, जैसे उसमें बताया जाता है कि आपको बैलेंस शीट कितनी आनी है, ठीक है, आपने यहाँ पे कितना पैसा यहाँ पे लगाया, कितना आपके यहाँ पे फायदा हुआ, कितना आपके यहाँ पे घाटा हुआ, इस तरह की दोस्तों आपके यहाँ पे जानकारी दी जाती है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपके यहाँ पे थ्योरेटिकल दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर पर आपके यहाँ पे सिखाया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर में दोस्तों आपके यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे कंपनी बनानी है, कंपनी बनाने के बाद आपके यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, ठीक है, और कंपनी को डिलीट कैसे करना है, कंपनी यदि मान लो कंपनी कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं वो आपको कैसे करनी है, आपके यहाँ पे लेजर कैसे बनाने हैं, लेजर बनाने के बाद आप जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे हमने जो व्यापार है, व्यापार में जो हमने यहाँ पे लिख के रखा, जो भी लेन देन वगैरह लिख के रखा, जैसे हमने माल खरीदा, माल बेचा, ठीक है, इस तरीके जो हमारे जर्नल एंट्री होते हैं उनको आप ट्रांजेक्शन यानी टैली सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे एक रिपोर्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं कि वहां पे कितना हमारा बैलेंस आया हुआ है, ठीक है, कितना यहाँ पे पैसा बचा हुआ है, यहाँ पे फायदा हुआ है या घाटा हुआ है, ठीक है, नेट प्रॉफिट हुआ है या मान लो यहाँ पे लॉस हुआ है, इस तरीके आप यहाँ पे ये सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद आप यहाँ पे और भी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे GST के बारे में आप अब तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको GST कैसे लगानी है, माल के ऊपर कैसे लगानी है, ये भी GST आपके यहाँ पे टैली में सिखाई जाती है। दोस्तों इसके बाद आपके यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में बताया, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ इन्वेंट्री आपकी होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो आपका
एक बाइक का शोरूम है, तो बाइक का शोरूम है उसका जो यहाँ पे पूरा स्टॉक होता है, जो हमारा माल होता है, जैसे बाइक का शोरूम हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, बाइक का शोरूम ओपन करने के बाद जो हम उसमें माल लेके आएंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे किसी भी कंपनी से माल खरीदा, माल खरीदने के बाद मान लो हमने कौन कौन से यहाँ पे माल खरीदा, हमने कितनी बाइक खरीदी, इसके बाद कौन कौन सी कंपनी की बाइक खरीदी, कितनी कितनी प्राइस में हमने यहाँ पे बाइक खरीदी, बाइक खरीदने के बाद हमने उसको पेमेंट कितना किया, पेमेंट किया या नहीं किया, इस तरीके की जो हमारी इन्वेंट्री होती है उसकी भी एंट्री आप यहाँ पे सिखाई जाती है। और दोस्तों और भी मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो ये चीज़ सिखाने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टैली में सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी टैली में जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ टैली कोर्स आप कब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ टैली कोर्स आप सिंपली यहाँ पे हाई स्कूल करके कर सकते हैं, इंटर करके कर सकते हैं। जरूरी दोस्तों आपके पास यहाँ पे कॉमर्स हो, यदि आपके पास कॉमर्स है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी आप यहाँ पे टैली कोर्स कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाके आप आसानी से यहाँ पे टैली कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ टैली कोर्स आपका कितने मंथ का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ टैली कोर्स जो आपका होता है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का आपके यहाँ पे होता है, तो आप आसानी से यहाँ पे किसी भी सेंटर पर जाके आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ टैली कोर्स जो हमारा होता है इसकी कितनी फीस होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ ये आपका अलग अलग सेंटर के हिसाब से होती है, आप किसी भी सेंटर पर ज़्यादा फीस होती है, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर कम फीस होती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पे 6,000 से लेकर 10,000 तक यहाँ पे टैली कोर्स की यहाँ पे फीस रहती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ टैली कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ टैली कोर्स करने के बाद आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, यानी किसी भी शोरूम में जॉब कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर की कंपनी में जॉब कर सकते हैं, और भी हमारी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे हमारे कपड़े के शोरूम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, टाटा मोटर्स वगैरह पार्ट्स वगैरह बनते हैं, वो भी हमारी कंपनी वगैरह होती है, वहाँ भी आप आसानी से यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो हमारा लेन देन होता है वही आपको टैली में सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे लेन देन की एंट्री करनी, किस तरीके से आपको बिजनेस को यहाँ पे संभालना है, यानी एक भाषा में कहें तो आप छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक कहीं भी आसानी से यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ टैली कोर्स करने के बाद आपके यहाँ पे कितनी सैलरी रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दीजिए, मान लो आप फ्रेशर हैं, आपको टैली में कहीं भी अभी तक आपने यहाँ पे जॉब नहीं की है, तो आपको शुरुआत में 10,000 से लेकर 20,000 तक आपके यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। और दोस्तों यदि आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, आपने पहले से कहीं भी जॉब करके रखी है, तो आपको कम से कम सैलरी आपके यहाँ पे 15,000 से लेकर 30,000 तक आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाती है और भी यहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी थी टैली की जानकारी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टैली की जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दी है। दोस्तों यदि आपको लगता है टैली की जानकारी में कोई भी यहाँ पे डाउट रह गया, आपका कोई भी यहाँ पे सवाल रह गया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की वो जानकारी जो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।